कौशल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद घंटे थी चतुर्थ कुष्मांडे थी चतुर्थ कम पंचम स्कंद माते थी षष्टम कात्यानी च सप्तम काल रात्रि वहाँ गोय थी अष्टम नवम सिद्धिदाति च नव दुर्गा प्रकृतिताम। नमस्ते दोस्तों, मैं राजू फिर से अपने यूट्यूब चैनल गंगा में स्वागत करता हूँ। होप सो आप स्वस्थ होंगे। आज जो वीडियो जो खास जो हमने नव जो नवरात्र जो अभी जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में बनाया है, और ये जो वीडियो जो बनाने का इसमें जो टॉपिक जो है उसका नाम है 9 पर्सनल फाइनेंस लेसन फ्रॉम नव दुर्गा नवरात्र। जैसे मैंने बताया नव दुर्गा मीन्स जो मैंने श्लोक में बताया है, पहले जो स्थान पर शैलपुत्री है, दूसरे दिवस पे ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन पे चंद्र घंटा जी, चौथे स्थान पे कुश चौथे दिन पे कुष्मांडा जी, पंचम स्थान पे पांचवें दिन में हम स्कंद माता, और षष्ठे स्थान मतलब षष्टम मतलब सात छठे स्थान पे कात्यानी जी, सातवें स्थान पे कालरात्रि, आठवें दिन पे महागौरी और नवें दिन पे सिद्धात्री। इनकी हम पूजना अर्चना करते हैं इन 9 दिनों में, और एक धूमधाम से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और उसी तरह से हम इन 9 प्रतीक जो दुर्गा के प्रतीक है उनसे हम क्या अपने फाइनेंशियल 9 फाइनेंशियल लेसन सीख सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सो जो पहला दिवस जो रहता है वो रहता है शैलपुत्री जी का रहता है, जो जागरूकता के प्रतीक रहती है। वो बताती है कि आपको अपने इनकम और अपने आय मतलब सॉरी अपने इनकम और अपने फाइनेंस दोनों पे दोनों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। आपके पास क्या इनकम आ रही है, क्या आपके खर्चे हैं, क्या आपके फाइनेंस मतलब आपके पास क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है, और क्या क्या आपके कमिटमेंट आगे आ सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और उसी के बेस पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन बनाने चाहिए। तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं रहेगी तो आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं रहेगी, और आप अपने वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सो आपको एक अच्छे आपको इस बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। दूसरा दिवस जो रहता है वो ब्रह्मचारी जी का रहता है, जो रिप्रेजेंट करती है एक आप बोल सकते हैं कंपोज स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक संतुलित स्टेट ऑफ माइंड। जब आप इन्वेस्टमेंट करें या आपको फाइनेंशियल डिसीजन ले तो आपके स्टेट ऑफ माइंड को आपको डिसिप्लिन में रखना है। एक आप बोल सकते हैं एक अनुशासित तरीके से आपको ये सब डिसीजन लेने चाहिए। हर एक शोर शराबे या हर एक आप बोल सकते हैं न्यूज़ पे आप रिएक्ट नहीं कीजिए। आप उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आप उसकी स्टडी कीजिए। इवन आपको क्या शोर है मतलब क्या फेक मतलब जैसे स्प्रेडिंग चलती है और क्या रियल न्यूज़ है उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी किसी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, जैसे एग्जाम्पल आप कोई भी शेयर पे डिसीजन लेते हैं तो उसमें कई सारी न्यूज़ चलती रहती है, तो वो न्यूज़ रियल में है या नहीं है उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी ने समझो आप किसी बहुत टाइम क्या होता है कि शेयर मार्केट में बहुत जन लोग किसी को फॉलो करते हैं या किसी की इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फॉलो करते हैं, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी रहती है या उस जो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक या जो भी असर क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जरूरी नहीं है आपके लिए भी राइट हो सके। आप जरूर उसकी स्टडी कीजिए, उसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और एक संतुलित माइंड से अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको जरूर वो आपको वेल्थ में क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तीसरा जो दिवस रहता है वो रहता है चंद्र घंटा जी का रहता है, जो प्रतीक है विजिलेंस और अलर्टनेस मतलब सतर्कता का प्रतीक है। जैसे कि एग्जांपल कोरोना का आप एग्जांपल ले, हमने 2 साल लास्ट बहुत देखा है उतार चढ़ाव, तो कोरोना में के बारे में हमें पता नहीं था बट हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, तो आगे हम और सतर्क रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजन बनाने के में। क्योंकि क्या हो गया इस कोरोना की सडन सिचुएशन से बहुत जन के फाइनेंशियल जो है हिल गए, किसी को कोई मालूम ही नहीं था कैसे करना है, बहुत जन के मतलब आप बोल सकते हैं बहुत खराब हालत हो गई बिकॉज उनके पास फाइनेंस की मतलब नॉलेज नहीं था और उनको क्या आगे करना है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आप जरूर अपने हर एक सिचुएशन में अपने को इस तरह की सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और अपडेटेड रहिए। कुछ भी तरह की न्यूज़ आती है या कुछ भी तरह का इस तरह का मतलब आप बोल सकते हैं पेंडेमिक्स या कुछ भी तरह का आपको सिचुएशन आ जाए तो आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उस बेस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन को कीजिए। चौथा दिवस जो रहता है वो कुष्मांडा जी का है, वो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि कुष्मांडा जी है जो सूर्य के मूल में निवास स्थान करती है और उन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि आप जब अपना फाइनेंशियल प्लान बनाए तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, और जो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगी तो आपको ये बताती है कि आपको कब उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब तक इन्वेस्टमेंट करना है और कब उसमें से निकलना है, वो आपके बारे में जानकारी आपको मिलती है। और एक फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उसके बारे में अपनी रिसर्च निकालनी पड़ती है और बहुत सारा उसमें होमवर्क रहता है। तो और समय समय पे उस फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को आपको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप रिव्यू करते रहेंगे आपको उस चीज़ों को समय के साथ लेते जाएंगे तो आपकी जो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेटेड होती जाएगी और वो लाइन पर रहेगी। पांचवा दिवस जो रहता है वो स्कंद माता जी का रहता है, जो विजडम मतलब ज्ञान और एग्जीक्यूशन
दोनों का संगम है, मतलब आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आपके पास सब इनपुट है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो वो भी बराबर नहीं होता है उसके लिए। इसलिए आपको एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए, और एक विवेकपूर्ण किया विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस रीजन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अच्छे खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। जैसे इसमें किसी भी आवेग में आके, आप किसी भी शोर शराबे में आके आप एक निर्णय मत लीजिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं कोई निवेश कर रहा हूँ तो उसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, उसमें क्या क्या हिडन चार्जेस है, या कुछ शुल्क है कि नहीं है अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ या उसमें से निकलता हूँ तो। सो हमेशा एक राइट न्यूज बेस पे, एक राइट नॉलेज बेस पे आप इस तरह का अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। छठा दिन जो रहता है वो जो प्रतीक है जो कात्यायनी जी का दिवस रहता है, और जो कात्यायनी जी रहता है हर एक तरह के राष्ट्र राक्षस को नष्ट करने की शक्ति के प्रतीक है। तो इसमें इसमें आपको अपने ज्ञान, मतलब ज्ञान और सूचनाओं, मतलब नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन लेस, अपने आप को लेस करना जरूरी है, और जिससे आप किसी भी तरह का मार्केट साइकिल, मतलब उतार चढ़ाव जितना भी कुछ भी आ जाए, कोई भी तरह का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी सिचुएशन हो, तो आप उसमें उस मार्केट साइकिल से डील कर पाए, और आपको वो जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे डायरेक्शन देते रहे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। और कि मतलब आपको ये भी स्टडी करना जरूरी है कि आप जिस असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, या कुछ भी प्रॉपर्टीज हो गई, जिस असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो भी क्लास है उस वो किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करती है उसको जानना जरूरी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे हम जो कि आरबीआई ने रेट इंक्रीज कर दिया तो उसका इफेक्ट एफडीआर पे भी पड़ता है, और आपके फाइनेंशियल जैसे आपने जब पास लोन है तो उसी पे भी पड़ता है। तो आपको इस तरह के स्टडी करना बहुत जरूरी है। सातवां दिवस रहता है वो है कालरात्रि जी का है। कालरात्रि जो है वो एक उग्र स्वरूप है, नौ दुर्गाओं में से एक उग्र स्वरूप है आप बोल सकते हैं, और वो हमेशा वो सब बुराइयों को नाश करने में मतलब मानी जाती है, सब बुराई को नाश कर सकती है। और इसी तरह से आपको भी अपने जो पोर्टफोलियो रहते हैं उसको उसका रिव्यू करता रहना चाहिए, और उस पोर्टफोलियो में से कौन सा जो इन्वेस्टमेंट है या कौन सी जो लोन है जो आपका जो पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है, तो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसे निकाल देना चाहिए, उसमें से पोर्टफोलियो में से आपको उसको निकाल देना चाहिए और किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन आपको उसमें लॉस हो रहा है तो वो लॉस बुक कर देना अच्छा है, नहीं तो अभी तो आपको थोड़ा लॉस हो रहा है, आगे जाके और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर समझो आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शायद उसमें वो उसका रिकवरी मिल जाए। सो इवन एग्जाम्पल आपको मैं इसमें दूँ तो जैसे लाइक एग्जाम्पल आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई नॉन परफॉर्मर खिलाड़ी रहेगा तो उसको तो क्रिकेट सिलेक्शन में जगह नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से आप अपना पोर्टफोलियो में अभी उस नॉन परफॉर्मर इन्वेस्टमेंट और जो बोरिंग है उसको जगह मत दीजिए और उसे अपने पोर्टफोलियो में से निकाल दीजिए। आठवां जो प्रतीक है, आठवां जो दिवस रहता है वो महागौरी जी का है, और ये एक जो बोलते हैं कि आप पाप और बुराइयों को छुटकारा दिलाती है, बराबर। और इसी तरह आपके पास अगर ज्ञान है, मतलब नॉलेज है, स्किल कौशल है, और समय टाइम है, तो आप इसका उपयोग करके अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और डिसीजन मतलब आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें तीनों में से किसी की भी कमी है, जैसे आपके पास नॉलेज की कमी है, या आपके पास स्किल की कमी है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनल एडवाइज़र, हम जैसे प्रोफेशनल एडवाइज़र की आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको ये तीनों चीज़ प्रोवाइड कर पाए, और उनका जो भी मतलब आप बोल सकते हैं कि वो बिकॉज वो उसी फील्ड में काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा उसमें वो आपको बेनिफिट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जरूर आप किसी प्रोफेशनल एडवाइस की हेल्प लीजिए अगर आपको तीनों में से किसी की भी कमी है तो। नौवां जो दिवस रहता है वो सिद्धिदात्री का रहता है, जो सर्व कल्याण की दाता है, और जो जो ये जो प्रतीक है वो सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट की प्रतीक है, मतलब मतलब तृप्ति और उपलब्धि की प्रतीक है। यदि आप अपनी फाइनेंशियल प्लान जो करते हैं तो उसको इस तरह से एग्जीक्यूट कीजिए प्रॉपरली, ताकि आपको एक आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो पाए, वो आपको फुलफिलमेंट हो पाए, और आपको एक आपको एक अंदर से एक खुशी हो कि आपने इसको अचीव किया या आपको इसकी प्राप्ति हुई। सो इस तरह से आप ये जो नौ पॉइंट है, जो नौ दिवस के जो हमने बनाए हैं जो आपके लिए है, तो इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग कीजिए, आप अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, और अपने अपने जो पोर्टफोलियो का मूल्यांकन मतलब रिव्यू जो है वो हर बार करते रहिए कि असेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें नहीं करना है, कौन सा लोन लेना है, कौन सा लोन नहीं लेना है, वो आप धीरे धीरे उसमें करते रहिए। और सिर्फ तीन चीज़ जो ध्यान रखिए कि आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है, और आपके पास
टाइम भी होना बहुत जरूरी है, और आपके पास वो नहीं है तो प्रोफेशनल एडवाइज की हेल्प लीजिए। सो आप होप सो आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि इसमें और हम किस तरह से अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट लाए और आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। सो वीडियो को स्प्रेड कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो लाल बटन को दबाइए, और जो घंटी का बटन दिया है उसको भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी जो वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट टाइम। जय हिंद, जय भारत।